रविवार को बेतिया रामनगर के पास मोतिहारी में औचक निरीक्षण और समीक्षा बैठक के बाद पटना लौटने के क्रम में बिहार पुलिस के मुखिया महानिर्देशक गुप्तेश्वर पांडे मुजफ्फरपुर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक गणेश कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर नीरज कुमार सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन विमलेश झा, पुलिस उपाधीक्षक नगर राम नरेश पासवान, पुलिस उपाध्यक्षक पश्चिमी कृष्ण मुरारी प्रसाद, पुलिस उपाध्यक्षक पूर्वी गौरव पांडे समेत सभी शहरी थानाध्यक्षों के साथ लगभग एक घंटे तक समीक्षा बैठक की। आइए जरा सुनते हैं कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। होली आई, रामनवमी आई, चुनाव आया, ईद आई, सब बारात आई और कई त्योहार आए, गणेश चतुर्थी आई, इसके बाद में फिर मुहर्रम। तो सारे पर्व और त्यौहार जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है, इतनी अच्छी तरह से संपादित हुए, अच्छे हुए। ये मुहर्रम में भी इतने बढ़िया से लोगों ने काम किया, जिले में मैं सारे पदाधिकारियों को बधाई देने के लिए आया था, इस बात के लिए कि दशहरा आगे हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं अपील कर रहा हूँ सारे लोगों से, हिंदू मुसलमान कि बिहार की गरिमा को बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस तरह से शालीनता से इस त्यौहार को भी मनाएं कि दशहरा का त्यौहार भी पूरे बिहार में शांतिपूर्ण ढंग से मने और देश में अपराध की भी समीक्षा की, उसके बारे में काफी बातें हुई और विधि व्यवस्था संतानों के बारे में भी बातें हुई। एसपी साहब, सीनियर एसपी साहब से, आईजी साहब से, सारे डीएसपी थे यहाँ के, सारे अधिकांश ऑफर इंचार्ज थे, पीछे पीछे नहीं आ पाए थे और हमने बताया कि किस किस तरह से इसमें कार्रवाई करनी है। एक स्ट्रेटजी भी बनी है अपराध नियंत्रण के लिए, जिसके बारे में भी खुलासा करना उचित नहीं है। मुझे पूरा उम्मीद है कि 30 दिन के अंदर अच्छे नतीजे इसके आएंगे और खुद आपको बताएंगे। थैंक यू।